guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज सैमसंग के साथ। सैमसंग की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही हैं और आज की सुबह सैमसंग के नाम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार सैमसंग अपने अपकमिंग फ्लैगशिप्स के लिए एक नई वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाली टेक्नोलॉजी जो है इसको ट्रेडमार्क कर चुका है। इसका नाम है सैमसंग ओलेड सिंक। इसमें आपको अगेन एज आई सेड अर्लियर वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी और प्रिज्यूमेबली सैमसंग के जो अभी आने वाले फ्लैगशिप हैं इनमें आपको ये ओलेड सिंक जो टेक्नोलॉजी है ये देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस सैमसंग अपडेट्स के मामले में आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। Samsung Galaxy Z Fold 2 और Samsung Galaxy Note 10 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इनमें आपको लेटेस्ट अप्रैल का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो है एक नए अपडेट के बाद अब देखने को मिल रहा है। सो यस, अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्मार्टफोन है, Z Fold 2 है वैसे, अगर आपके पास ये स्मार्टफोन्स हैं, सेटिंग्स मेन्यू में जाइए, अपडेट बटन को दबा के आप अप्रैल 2021 के सिक्योरिटी पैच के साथ अपने Samsung स्मार्टफोन्स को सिक्योर कर सकते हैं। और गाइस अपडेट्स की बातें यहीं खत्म नहीं होती। Samsung Galaxy A21s जो स्मार्टफोन है इसमें भी अब Android 11 अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया और ये Samsung की जो टाइमलाइन है ना उससे भी पहले रोल आउट होना शुरू हो गया। सो यस, अगर आप यूज कर रहे हैं Galaxy A21 स्मार्टफोन आप लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज है। लेटेस्ट Android 11 और One UI 3.0 जो अपडेट है आपके स्मार्टफोन के लिए भी अब ऑफिशियली रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। और अपडेट्स की आज की कहानी खत्म करते हैं Galaxy A51 से। तो गाइस Galaxy A51 स्मार्टफोन में भी अब One UI 3.1 अपडेट जो है ये ऑफिशियली रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और गाइस Samsung की अपडेट्स की बातें हो गई, अब बात कर लेते हैं Samsung के कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स की। तो गाइस Galaxy S20 Fan Edition जो स्मार्टफोन है इसका 4G वेरिएंट, मतलब Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर है बट स्टिल ये 4G स्मार्टफोन होगा। ये भी अब Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। 6GB RAM है, साथ में Android 11 है और Geekbench स्कोर जो है स्मार्टफोन के मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस ये तो था Samsung Galaxy S20 Fan Edition स्मार्टफोन। अब बात करते हैं Samsung Galaxy S21 Fan Edition की। जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और इस लेटेस्ट लीक की अगर हम माने तो Galaxy S21 Fan Edition स्मार्टफोन में हमें एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर जो है ये देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस Huawei बहुत जल्दी एक और नए 5G टैबलेट को लॉन्च करने वाला है। इसमें आपको हार्मनी OS देखने को मिलेगा और साथ में किरिन का 9000 प्रोसेसर होगा। इसका नाम है Huawei MatePad Pro 2। तो गाइस टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे Huawei का ये जो नया टैबलेट है ये अब सर्टिफाई हो चुका है। दैट मींस यस, बहुत जल्दी Huawei की तरफ से ये टैबलेट भी हमें देखने को मिलने वाला है। और गाइस Huawei की तरफ से एक और अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। Huawei बहुत जल्दी अपनी Huawei Watch GT 3 को भी लॉन्च करने वाला है। Huawei Watch GT 3 जो है ये अब EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुकी है। एंड गाइस Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की बात कर लेते हैं। Redmi बहुत जल्दी एशियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है अपने Redmi Note 10s स्मार्टफोन को। Redmi Note 10s जो स्मार्टफोन है इसको मैंने अब TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई होते हुए देख लिया। दैट मींस यस, एशियन मार्केट में Redmi Note 10s जो स्मार्टफोन है ये अब बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और गाइस Xiaomi ने फाइनली अपने फर्स्ट एवर फोल्डेबल स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर दिया है। Mi Mix Fold इसका नाम है। ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ओके, इस वीडियो में बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ। बट बिफोर दैट, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन डू दैट राइट अवे। नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाइए और उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और इस वीडियो करते हैं खत्म Realme के साथ। Realme आज लॉन्च करने वाला है अपने Realme GT Neo स्मार्टफोन को। तगड़ी हाइप है स्मार्टफोन की और लॉन्च से बिल्कुल पहले मैंने Realme GT Neo स्मार्टफोन को 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। और 3C की अगर हम माने तो Realme GT Neo स्मार्टफोन में हमें एक 65 वॉट्स की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस Realme की तरफ से ही आज की लास्ट न्यूज भी निकल के आ रही है। Realme Narzo 30 स्मार्टफोन फाइनली कंफर्म हो चुका है। इसका मॉनिकर जो है ये इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आप निकल के आ चुके हैं और साथ में इसको मैंने FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी कर लिया है स्पॉट। और FCC की अगर हम माने तो Narzo 30 स्मार्टफोन जो होगा इसका 4G जो वेरिएंट होगा इसमें आपको एक अच्छी खासी 5000 mAh बैटरी देखने को मिलने वाली है। 30 वॉट्स की होगी फास्ट चार्जिंग और साथ में 198 ग्राम स्मार्टफोन का वेट होने वाला है। Realme UI 1.0 पे ये स्मार्टफोन जो है ये डब्बे से निकालते ही वर्क करने वाला है। सो यस, लेके चल लो, अब सर्टिफिकेशन वगैरह शुरू हो गए तो Realme Narzo 30 स्मार्टफोन इज ऑल्सो नॉट टू फार अवे फ्रॉम नाउ। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। इन स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन आप परचेज करते हैं ये मैंने आपसे कल पूछा था और यहाँ पे 54% लोगों ने वोट किया है Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन को।
बाकी के जो स्मार्टफोन्स हैं इनको 13, 12, 8 और योर चॉइस जो है इसको भी 13% लोगों ने वोट किया है और पोल रिजल्ट जो है बाय द वे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, Mi Mix Fold जो स्मार्टफोन है, डू यू थिंक Xiaomi किल्ड द फोल्डेबल सेगमेंट विद द Mi Mix Fold स्मार्टफोन? प्राइसिंग इस स्मार्टफोन की तगड़ी है, आपको क्या लगता है कि यार Xiaomi का Mi Mix Fold जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले ये देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस आज की वीडियो का शाउट आउट जाता है विपुल सिंह जी को। सो गाइस ये थी आज की सुबह की टेक्स्ट स्टफ, आई होप आपको हर बार की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को फिर से टेक्स्ट स्टफ के एक और एपिसोड में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद। मेटपैड प्रो 2 स्मार्टफोन को चाइन लॉन्च डे मेमरी बड़ी बड़ी लिटिल वगैरह लॉन्च वेबसाइट ओके।